हैदराबाद को नजर लगा रहे हैं, क्यों आप तेलंगाना को खत्म करना चाहते हैं? आपकी केसीआर से लड़ाई है, हमसे लड़ाई लड़िए, पॉलिटिकल लड़िए, हमसे तैयार है लड़ने को, आपसे पीछे नहीं हटेंगे पॉलिटिकल लड़े लड़ने के लिए। मगर आप दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। कहीं की यात्रा आपकी, क्या क्यों पैदल चल रहे हैं आप? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि लोगों को, एक समुदाय के खिलाफ बिल को तोड़ा जाए? क्या आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती जब कोई मुसलमान आपके सामने आ जाएगा? एक बाय इलेक्शन के लिए आप तेलंगाना को आग लगाना चाहते हैं, हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं। 8 साल से यहां पर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, छोटे मोटे वाकयात हुए, सबने मिलकर उसको रोका। गणेश का त्योहार अभी आ रहा है, क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे देश में और विश्व में भाजपा? आप अगर सत्ता में दिल्ली में है, आपके पास 300 MP, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के आपका विधायक अनाप शनाप पके। आप तो नूपुर शर्मा से आप तो सबक ही हासिल नहीं किए। आप जो इसका मतलब है कि आपने ड्रामा किया, उस वक्त भी कहा था आपसे। मैं तेलंगाना की आवाम को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि भाजपा तेलंगाना में अमन को खराब करना चाहती है, भाजपा हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहती है, यहाँ पर भाजपा कम्युनल राइट कराना चाहती है, यहाँ पर भाजपा तेलंगाना की तरक्की, हैदराबाद का जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है उसको रोकना चाहती है, और अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए वो मुसलमानों को और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने विधायक से इस तरह की गंदगी और बकवास बकवा रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। ये देश सबका है और आप इसको खराब करना चाह रहे हैं, इसको कंडेम करते हैं। मैं उसका कंडेम करता हूं। आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई कानून के दायरे में रहकर होगी। सर, जो नारे लगा रहे हैं, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, मैं उसको कंडेम करता हूं। और जो नारे लगा रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाह रहा हूं, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कानून के हाथ में कैसा लेंगे आप अपने हाथ में? हमने कंप्लेन की रात में, कल सुबह में 2:30 बजे हमारे MLA अहमद बलाला जाकर कंप्लेन किए, और जब बलाला साहब कंप्लेन किए तो उनके साथ हिंदू भाई भी थे, दलित भाई भी थे, कंप्लेन किए, FIR रजिस्टर हुआ। इस तरह की बकवास नारे अरे मत करिए, इस तरह क्यों लगा रहे हैं आप? सर, आप हैदराबाद शहर के सांसद हैं, यहाँ की आवाम गुस्से में है, वो रात को दिखा कि आवाम गुस्से में है। देखिए, मैं शहर का सांसद भी हूँ और इस शहर का शहरी भी हूँ। सिर्फ मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की, हर राजनेता की, हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो तेलंगाना और हैदराबाद की अमन को खराब ना करें। और कौन खराब कर रहा है? भाजपा खराब कर रही है। क्या ये उनका ये ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है कि नूपुर शर्मा से उनका दिल नहीं भरा तो अभी अपने विधायक से बोलने लगा रहे हैं? हम जानते हैं कि रात भर कितना मुश्किलात का सामना हमारे पूरे पार्टी के जिम्मेदारों को करना पड़ा, कितना गम और गुस्सा लोगों में है। हर आदमी आज उसके आंख में आंसू है कि भाई आखिर भाजपा को अगर अपनी सियासी रोटी सेकना था तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये गंदगी क्यों बक रहे हैं? मजीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।